हेलो नमस्ते, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का ज्ञान घर चैनल पर। आज हम कीट विज्ञान का भाग 6 करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं कीट विज्ञान का भाग 6। कटवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? कटवर्म का जीव वैज्ञानिक नाम एग्रोटिस इप्सिलोन है, एग्रोटिस इप्सिलोन। डायमंड बैक मोथ किस गण से संबंधित है? डायमंड बैक मोथ लेपिडोप्टेरा गण से संबंधित है, लेपिडोप्टेरा। मैलाथियान किस श्रेणी में आता है? मैलाथियान ऑर्गेनोफॉस्फेट श्रेणी में आता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट। कीटों में क्या पाया जाता है? कीटों में ट्रेकिया और ट्रेकोल पाया जाता है, ट्रेकिया और ट्रेकोल। कीटों में फेफड़े नहीं पाए जाते हैं। DDT का पूरा नाम क्या होता है? DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। गन्ने में डेड हार्ट किस कीट द्वारा होता है? गन्ने में डेड हार्ट काइलो इन्फेस्केटलस द्वारा होता है, काइलो इन्फेस्केटलस। नोजिल इनमें से किसका भाग होता है? नोजिल हैंड कंप्रेसर स्प्रेयर का भाग होता है, हैंड कंप्रेसर स्प्रेयर। फेरोमोन प्रपंच किसे आकर्षित करता है? फेरोमोन प्रपंच नर कीट को आकर्षित करता है, नर मोथ को। संपूर्ण रूपांतरण कितनी अवस्थाओं में होता है? संपूर्ण रूपांतरण 3 अवस्थाओं में होता है। कीटों में संपूर्ण रूपांतरण 3 अवस्थाओं में होता है। अरहर में कौन सा रोग एरियोफिड माइट द्वारा फैलता है? एरियोफिड माइट द्वारा स्टेराइल मोजाइक या बंध मोजाइक रोग फैलता है, बंध मोजाइक। दीमक में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? टर्माइट में काटने व चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं, काटने व चबाने वाले। मधुमक्खी एवं बर्रे में किस प्रकार के मुख पाए जाते हैं? मधुमक्खी एवं बर्रे में चबाने व चाटने वाले मुखांग पाए जाते हैं, चबाने व चाटने वाले। स्पंज प्रकार के मुखांग किस कीट में पाए जाते हैं? स्पंज प्रकार के कीट घरेलू मक्खियों में पाए जाते हैं, घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका। कॉकरोच का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉकरोच का जीव वैज्ञानिक नाम पेरीप्लोनेटा अमेरिकाना है, पेरीप्लोनेटा अमेरिकाना। घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम है, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। मूसा नेबुला किस कुल से संबंधित है? मूसा नेबुला म्यूसिडी कुल से संबंधित है, म्यूसिडी। ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी कौन सा है? पैराथियन एक ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी है, पैराथियन। रेशम कीट का जीवन चक्र कितने दिन में पूरा होता है? रेशम कीट का जीवन चक्र 40 से 45 दिन में पूरा हो जाता है, 40 to 45 days। इनमें से कौन सा स्टेराइल केमिकल कीटों के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है? एल्फोलेट का प्रयोग स्टेराइल केमिकल के रूप में किया जाता है, एल्फोलेट। मधुमक्खी का लकवा रोग किसके द्वारा होता है? मधुमक्खी में लकवा रोग विषाणु द्वारा होता है, विषाणु या वायरस। शहतूत के रेशम कीट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? शहतूत के रेशम कीट उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान। पहले स्थान पर
चाइना चाइना है चाइना। इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कीट है? टिड्डी या ग्रास हॉपर एक अंतर्राष्ट्रीय कीट है? ग्रास हॉपर। स्टोरेज ग्रेन के कीटों के नियंत्रण की उत्तम विधि है। भंडारित अनाज के कीटों के नियंत्रण की उत्तम विधि फ्यूमिगेंट है, फ्यूमिगेंट या धूम्रण, धूम्रण विधि। इनमें से कौन रक्त स्कंदरोधी है? जिंक फास्फाइड रक्त स्कंदरोधी है, जिंक फास्फाइड। तो इसी के साथ कीट विज्ञान का भाग 6 समाप्त तो होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।